हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, क्या आपकी फेसबुक अकाउंट पर भी ये जो है प्रॉब्लम आ रही है कि आप स्टोरी अपलोड करते हैं और उस पर व्यूज़ नहीं आते, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है फेसबुक स्टोरी से रिलेटेड जो है आपको उनका सामना करना पड़ रहा है। तो आप उन तमाम प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं और अपनी फेसबुक की स्टोरी पर व्यूज़ कैसे ला सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपरली एंड फुल जो है गाइड करने वाला हूं। तो आपने जस्ट वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आप इस सेटिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं अपने अकाउंट पर। तो चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले अपने ऊपर की तरफ यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर नीचे की तरफ चले आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी के वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग का, तो आपने इसी सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह से ये जो है ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिख जाएगा स्टोरी सेटिंग का, तो आपने इसी स्टोरी सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह से आपके सामने ये जो है ओपन होकर आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स जो है ओपन होकर आ चुकी हैं। यहाँ पर स्टोरी प्राइवेसी वाले अगर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका यहाँ पर ये जो है ओनली फ्रेंड्स पे सिलेक्ट हुआ हुआ है तो आपने इसको जो है पब्लिक पे कर देना है, यानी कि आपकी जो स्टोरी है वो तमाम लोगों के पास जाए, ऑल पब्लिक के पास जाए। यहाँ पर बेसिकली आपका फ्रेंड पर सिलेक्ट हुआ होगा तो आपने इसको पब्लिक पे कर देना है, यानी कि आपके दोस्तों के अलावा भी लोग जो है आपकी स्टोरी को देख सकें। एंड अगर आप फ्रेंड पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिख जाता है ऑलवेज शेयर टू इंस्टाग्राम का। अगर आप यहाँ पर अपनी स्टोरी को इंस्टाग्राम पर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसको यहाँ से ऑन कर देना है तो आपकी स्टोरी जो है इंस्टाग्राम पर भी शेयर होने लगेगी अगर आप कराना चाहते हैं तो यहाँ पर। इसके अलावा भी यहाँ पर गाइज आपको शेयरिंग ऑप्शन भी दिख जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने इसको अलाउ कर देना है, यानी कि ऑन कर देना है। आपका अगर ये डोंट अलाउ हुआ तो आपने इसको अलाउ कर देना। तो इसके बाद दोस्तों, आप ओ यहाँ पर नीचे स्टोरी अचीव का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर लेना है। अगर आपका ऑफ है तो यहाँ पर स्टोरीज यू म्यूटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो बेसिकली हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो चुका है, यानी कि जो सेटिंग्स थी यूट्यूब फेसबुक स्टोरी को लेकर वो तमाम जो है हमने फिक्स कर लिए हैं। तो आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो है टेक को लेकर तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।